तो भाई बीसीसीआई यहाँ पे आईपीएल 2024 की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि आपको अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि आईपीएल 2024 की जो तैयारी है वो बीसीसीआई करना स्टार्ट कर चुकी है। और गाइस अगर बात करें तो आज की डेट में काफी ज्यादा न्यूज निकल के आ रही है जो कि आईपीएल 2024 के मद्देनजर रखते हुए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि आपको इस वीडियो में बताता हुआ नजर आने वाला हूँ। और गाइस आपको करना है वीडियो का भी पूरा एंटर देखना, और जो लोग भी चैनल पे नए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा के चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले न्यूज के बारे में, और गाइस जो सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही वो निकल के आ रही है ऋतुराज गायकवाड़ को लेके। हाँ गाइस गायकवाड़ को लेके यहाँ पे काफी बड़ी अपडेट यही निकल के आ रही है कि आखिर क्या गायकवाड़ आईपीएल 2024 से पहले फिट हो जाएंगे, क्या इस पे रिपोर्ट निकल के आ रही है। तो गाइस यहाँ पे दो तीन सोर्सेज ने यहाँ पे एनसीएल से सीधा यहाँ पे हवाला लिया और उन्होंने ये कहा है साफ साफ कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी खबर यहाँ पे निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ की जो इंजरी है वो यहाँ पे मे बी पॉसिबल है कि आईपीएल से पहले ठीक हो जाएगी। हाँ गाइस आईपीएल से पहले यहाँ पे ठीक होने की पूरी का पूरा यहाँ पे बताया गया है, और ये पूरी तरीके से इंश्योर कर दिया गया है कि ना सिर्फ इनकी इंजरी यहाँ पे ठीक हो जाएगी, बल्कि ऐसा हो सकता है कि सेकेंड या थर्ड टेस्ट के बाद जो मेन शेड्यूल आएगा, यानी दो टेस्ट का शेड्यूल तो आ चुका है इंग्लैंड के खिलाफ वाले मैच के टेस्ट सीरीज का, लेकिन उसके बाद वाले अगर बात करें तो दो जो मैच आएंगे वहां पे हो सकता है लास्ट टू मैचेस में ऋतुराज गायकवाड़ का भी स्क्वाड में नाम रहता हुआ नजर आ जाए, अगर वो उस टाइम तक 100% रिलैक्सेशन कर जाएंगे। नहीं तो ये पूरी तरीके से कंफर्मेशन वाली न्यूज रिपोर्ट निकल के आ रही है कि वो उस टाइम तक नहीं तो, लेकिन अगर बात करें तो आईपीएल 2024 तक ये पूरी तरीके फिट हो जाएंगे और टीम में यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए चेन्नई के लिए वो पूरी तरीके से अवेलेबल रहने वाले हैं। तो भाई फाइनली बात करने वाले हैं दूसरे न्यूज के बारे में, और ये दूसरी न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पे शेड्यूल को लेकर। हाँ गाइस अब आपको ही पता है कि इलेक्शन के कंसर्न को लेके यहाँ पे शेड्यूल पे काफी बड़ा यहाँ पे संशय का बादल बना हुआ है, काफी ज्यादा दिक्कतें सामने आती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बात करें तो शेड्यूल यहाँ पे काफी बड़ा यहाँ पे अंतर और काफी ज्यादा यहाँ पे विपत्ति ज्यादा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे शेड्यूल को लेके यही चीज सामने निकल के आ रही है कि जो शेड्यूल लॉन्च होने वाला है वो पहले 2 हफ्ते का होगा। हाँ गाइस पहले स्टार्टिंग 2 वीक्स का यहाँ पे शेड्यूल लॉन्च होगा, क्योंकि उस टाइम तक उतना ज्यादा इलेक्शन का हाइप नहीं रहेगा, इलेक्शन के उतने ज्यादा चीजें यहाँ पे सामने नहीं आएगी, लेकिन 2 हफ्ते के बाद जब यहाँ पे 21 या 22 मार्च से जब स्टार्ट होगा, लेकिन 2 हफ्ते के बाद यहाँ पे हो सकता है कि दिक्कतें होता हुआ नजर आ सकता है इलेक्शन की वजह से। तो उस टाइम का जो शेड्यूल है, अगर यहाँ पे इलेक्शन कमिटी और यहाँ पे अगर वेन्यू के वजह से अगर यहाँ पे दिक्कतें होती हैं तो उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, नहीं तो अगर ये चीजें मान ली जाती है तो यहाँ पे इंडिया में ही पूरा करवाया जाएगा, लेकिन पहले स्टार्टिंग के 2 वीक्स का यहाँ पे शेड्यूल लॉन्च किया जाएगा, जो कि बीसीसीआई सोचती हुई नजर आ रही है। तो भाई पहली बात करने वाले हैं अगले चीज के बारे में, तो गाइस ये है ओपनिंग सेरेमनी को लेके। हाँ गाइस ओपनिंग सेरेमनी को लेके काफी बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है, गाइस आईपीएल 2024 का ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे जल्दी होता हुआ नजर आएगा। हाँ गाइस ओपनिंग सेरेमनी की बात कर ले तो यहाँ पे पिछले साल और उससे पिछले साल उतना ज्यादा हाइप वाला ओपनिंग सेरेमनी नहीं देखने को मिला था, लेकिन इस बार बीसीसीआई का पूरा प्लान है कि यहाँ पे वुमेन्स जो कि प्रीमियर लीग WPL होता है वहां पे और आईपीएल, इन दोनों में यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी करवाते हुए नजर आएंगे, यानी कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होती हुई नजर आने वाली है। और यहाँ बीसीसीआई पूरी तरीके से फॉर्म में आ चुकी है कि ओपनिंग सेरेमनी को इस बार यहाँ पे कंडक्ट कराना है, हम देखिए आगे चीजें क्या होती है। तो एक पहली बात करने वाले अगले चीज के बारे में, लेकिन उसके पहले आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। क्यों टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोगों ने यहाँ पे जो कि सब्सक्रिप्शन है हॉटस्टार की हो गई, या फिर बात कर ले तो अमेजोन प्राइम की, जितनी भी सभी सब्सक्रिप्शन है अगर यहाँ पे आप कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, मॉक ऑक्शन में पार्ट लेते हैं, जीतते हैं, तो ये लोग जैसे जीते हैं उस तरीके से आप भी यहाँ पे इन सभी चीजों को यहाँ पे पाते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, न्यूज तो वहाँ पे प्रॉपर मिलती है, हम वहाँ पे एक्टिविटीज भी करवा रहे हैं, BGMI का एक नया एक्टिविटीज होने वाला है जहाँ पे आप पार्ट ले सकते हैं, तो सब चीजें आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलती है। टेलीग्राम पे जाइए फटाफट से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए और जीतेंगे तो आपको भी ये सब जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ जाएगा। तो सब चीजें करना स्टार्ट करिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो एक पहली बात करने वाले अगले चीज के बारे में, तो यहाँ पे आईपीएल टाइमिंग्स को लेकर आ रही है। हाँ गाइस आईपीएल टाइमिंग को लेकर काफी बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि आखिर आईपीएल की टाइमिंग क्या रहेगी। तो गाइस यहाँ पे बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया कि जो आईपीएल की टाइमिंग है वो 7:30 बजे ही रहेगी, 8 बजे करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वो चीजें अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है। तो जो आईपीएल की टाइमिंग है वो ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, और ये बात कर ले तो ये 7:30 बजे से मैचेस स्टार्ट होंगे और जो दिन के मैचेस रहेंगे 3:30 बजे से स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे। तो गाइस फाइनली हम बात करने वाले अगले न्यूज के बारे में, और गाइस ये निकल के आ रही है ऋषभ पंत को लेके। हाँ गाइस पंत का यहाँ पे पूरी तरीके से फुल टू मूड बन चुका है, और FR 2-3 रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि ऋषभ पंत यहाँ पे बात कर लिया जाए तो अपनी टीम को चेंज करते हुए नजर आ सकते हैं। हाँ गाइस ये दिल्ली कैपिटल्स में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगले आईपीएल के जो कि मेगा ऑक्शन होगा उसके पहले अपनी टीम को ये चेंज करते हुए नजर आ सकते हैं।
देखिए कौन सी टीम में जाते हैं, कहाँ क्या चीजें होती है। लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट यही है कि अपने अगले सीजन से पहले यहाँ पे चेंज करते हुए अपनी टीम नजर आ सकते हैं और गाइस देखिए आगे चीजें क्या होती है। लेकिन ऋषभ पंत को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि चेंज या टीम को लेकर काफी बड़ी यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। तो गाइस ये थी वो सभी न्यूज जो कि निकल गया थी, मैंने आपको बता दिया। सो गाइस फाइनली आप बताएगा कि इन सभी में से कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी अपनी जो रहा है। कमेंट करके फिलहाल के वीडियो एंड करते हैं।